16 जनवरी को कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के 10 माह पूरे हो रहे हैं और पिछले 10 माह में इस सरकार का जो प्रदर्शन रहा है वो निंदनीय है। जहां उन्होंने अपने घोषणा पत्र के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, वहां पिछले समय में खनन माफिया और नशा माफिया, भू माफिया, वो इस सरकार के तहत, इनके राजनीतिक नेताओं के तहत, इनके प्रशासन के तहत वो पंजाब में हावी हुआ है। लोकतंत्र का गला घोटा गया है पिछले स्थानीय निकाय के चुनाव में। तो इन सब विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ज़िला हेडक्वार्टर्स पर 16 को धरने देगी और राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन डीसी को दिए जाएगा। लोकतंत्र के पांव पिछले दशकों में, वर्षों में इस देश में मजबूत हुए। यहाँ के लोग सरकारें बनाते भी हैं, गिराते भी हैं। यहाँ के लोगों ने इमरजेंसी भी देखी है, उसके खिलाफ भी फतवा दिया है। यहाँ के लोगों ने राजीव गांधी की सरकार देखी है, जो अभी तक के सबसे बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आई थी और अगले बार हार गई। यहाँ के लोगों ने एक एक वोट पर पार्लियामेंट में सरकार गिरते देखी है। इसलिए मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र को खतरा नहीं है। जो हमारे माननीय न्यायाधीश हैं, उन्होंने जो विषय उठाया है, अच्छा होता कि वो सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर उनके आंतरिक व्यवस्था में ही हल हो जाता। ये देश के लिए भी अच्छा था, न्यायपालिका के लिए भी अच्छा था। लेकिन चलिए, अब वो विषय जब पब्लिक डोमेन में आ गया प्रेस के माध्यम से, तो सरकार भी सक्रिय हुई है और भी बार काउंसिल भी सक्रिय हुई है और भी लोग सक्रिय हुए हैं। मैं मानता हूँ कि एक आध दिन में इसका हल निकल जाएगा। फिरोजपुर से जागृति लहर के लिए रतन लाल की रिपोर्ट।